नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। कैथल में आरंभ हुए नेशनल दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट में विभिन्न राज्यों से आए दिव्यांग क्रिकेट प्रतिभाओं ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। दिव्यांग खिलाड़ियों का जज्बा देखने को बनता है। उनका मानना है कि हम अंग से विकलांग हैं, मन से नहीं। आज कैथल राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन होने से जहाँ दिव्यांग तो खुश हैं ही, देखने वाले भी उनके स्वर को देख कर गदगद हो रहे हैं। जब यह लोग चौके या छक्के लगाते हैं तो देखने को बनता है। हमने अलग अलग राज्यों से आई टीमों के प्रतिभागियों से बात की तो लगभग सब एक जैसा ही कहना था कि उन्होंने अपने राज्य में लगभग जिलों से दिव्यांग प्रतिभावान क्रिकेट खिलाड़ियों को चुना और एक मंच पर लाने की कोशिश की और एक राष्ट्रीय स्तर की टीम बनाई। आज महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाड़ी और अपने प्रतिभा का जौहर दिखा रहे हैं। उनका मानना है कि जो आम आदमी खेल खेल सकता है, वह हम भी खेल खेल सकते हैं। उन लोगों को संदेश दिया, या तो जो विकलांग है उनके साथ रहते हैं, कभी भी किसी दिव्यांग को कम नहीं आंकना चाहिए। उनको एक अवसर जरूर देना चाहिए, जब अवसर मिलेगा तो वह अपनी प्रतिभा को दिखा पाएंगे और समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने मांग की है कि सरकार IPL की तर्ज पर दिव्यांगों के लिए ऐसे अवसर प्रदान करे, जब अवसर मिलेगा तो ही वह अपनी प्रतिभा को दिखा पाएंगे, समाज की मुख्य धारा में शामिल होंगे, उन्हें अच्छे अवसर प्रदान कर सके। और इसी के साथ देखते रहिए कैथल से नवीन मल्होत्रा की एक खास खबर। नमस्कार सर, मेरा नाम राजा बाबू शर्मा है, उत्तर प्रदेश से मैं आया हूँ। मैं उत्तर प्रदेश दिव्यांग स्पोर्ट एसोसिएशन का कैप्टन हूँ UP टीम का। और बात की जाए अगर दिव्यांगता की, तो मेरा ये मानना है शुरू से कि 1997 में जब ट्रेन एक्सीडेंट में पैर कटा, तो जो दिव्यांगता थी मेरी अंग की दिव्यांगता होगी, पर मेरे मन की दिव्यांगता नहीं हुई। मेरे जो फ्रेंड्स से फैमिली मेम्बर्स, उन्होंने आज तक मुझे एहसास नहीं होने दिया। और मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं कि जो दिव्यांग हैं तो वो केवल एक नाम के लिए दिव्यांग हैं। उनके हौसलों को देखिए। आप आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि आप देखें और हमें मौका दें। अगर डिसेबिलिटी के क्षेत्र में अगर हमारा कोई भी दिव्यांग भाई बहन है, तो वो कमज़ोर नहीं है, वो बहुत मजबूत है। आप उसे मौका दें एक अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए, अपना हुनर दिखाने के लिए। बस यही चाहता हूँ सर मैं। तो आज देखिए सर, 1997 में जैसे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ और 2012 से मैं हमारे संस्थापक जी हैं अमित शर्मा जी, उनकी टीम है उत्तर प्रदेश दिव्यांग स्पोर्ट एसोसिएशन, उनका एक ट्रस्ट भी है जीवन संदेश ट्रस्ट, उससे जुड़कर सर 2012 से लगातार सर मैं क्रिकेट खेलता चला आ रहा हूँ उनके आशीर्वाद से। और आज हमारी टीम लगभग भारत के काफ़ी सारे राज्यों में गई है मैच खेलने के लिए, और अपने प्रदर्शन से, अपने खेल से सभी का दिल भी जीता है। देखिए सर, सबसे बड़ी विडंबना तो यही है देश की कि दिव्यांग जो भी प्लेयर्स हैं उनको किसी प्रकार का कोई मौका नहीं मिलता है। अब BCCI है जो अपने मेन प्लेयर्स को तो स्पॉन्सर्स करती है, सभी करती है। अगर सर छोटी छोटी जो कंपनियां हैं, हम कहते हैं कि हमें बड़ा स्पॉन्सरशिप नहीं मिले, एक छोटा स्पॉन्सरशिप मिले, एक अगर हमें खेल मिले, तो उसमें सर हमारी जो प्रतिभा है वो क्रिकेट के अलावा पैरा ओलंपिक्स में भी मेडल ला सकती है। क्योंकि अगर हमें स्पॉन्सर्स मिलेगा तभी हो सकता है कुछ। मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्रिकेट एकेडमी एसोसिएशन से कैप्टन हूँ। और मेरा यही मानना है कि बंदे को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसके मतलब अब डिजिबल होने के बाद में भी हो जाता है कि मतलब कि आदमी है उसे अंग से अपने वो होता है, परेशान होता है, पर मन से कभी शारीरिक रूप से तो थोड़ा वीक हो जाता है, पर मन से कभी भी उसे परेशान नहीं होना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसके लिए।
तो क्या मेरा यही कहना होगा प्रधानमंत्री जी से कि अगर कोई सरकार हमारे लिए कुछ करती है तो एक आईपीएल की तरह आईडीबीपीएल होता है, जहाँ पे हम अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करके उनको एक लीग करा सकते हैं, जैसे आईपीएल की तरह है। उससे बंद अब हमारे ये दिव्यांग भाई जो हैं इनको भी सुविधा मिलेंगी, उनको भी थोड़ा बहुत पैसे का थोड़ा वो होगा, सहारा मिलेगा, तो वो भी एक अच्छे प्लेयर, एक अच्छी टीम हमारी स्टेट लेवल या नेशनल लेवल खेल सकती है। मेरा नाम कुलदीप है और मैं गाँव देवबन से बिलोंग करता हूँ। और मैंने जब ये हमने ये सोचा, जब हम कहीं बाहर खेलने जाते हैं, खिलाड़ियों को दूसरों को देखते हैं भाई वो इस लेवल पे खेल रहे हैं, हमारे मन में भी आता है कि हम भी उस स्तर पे जाके खेलें, और इसी के कारण आज ये सब तामझाम जुड़ा है। नहीं तो क्या ये एक्चुअली हमारी सोच ये है कि हमारे हरियाणा के जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर आगे आ सकें, जो भी डिसेबल पर्सन हैं, जो घर पर बैठे हैं, वो आगे वो निकल नहीं रहे, उनके नेगेटिविटी आई है भाई ये कुछ कर नहीं सकते, पाई जाएँ उनको आगे बढ़ाने के लिए, भाई आप भी ज़िंदगी में आ सकते हो, आप मुख्यधारा में जुड़ सकते हो अगर आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो। मेरा मानना ये कि जितने भी ज़्यादा हम दूसरे उनसे सीख सकते हैं, अदर स्टेट से जितने भी हैं, इनकी जो भी बॉडी हैं BDCA की, अदर स्टेटों की, उनसे हमने सीखने के लिए इनसे ज़्यादा वो, ताकि हम प्रेरित हो सकें ये किस स्तर पे काम कर रहे हैं और हम कहाँ हैं इसके लिए।